बाकायदा एसी में बैठ के अपना जो अनलिमिटेड बुफे है उसको एंजॉय कर सकते हैं। सर 149 का बुफे है प्लस 5% जीएसटी अलग है सर। अलग अलग। और ये पनीर की है, कढ़ाई पनीर है, ये मंचूरियन मुझे लग रहा है, ये मंचूरियन है, ये नूडल्स है, कौन सा नूडल्स हैं ये? छोले भी इनके हैं कि पूरी तरह से गाढ़े गाढ़े छोले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शबीर अब्बास और आप देख रहे हैं जायको की दुनिया यानी कि शबीर फूड वर्ल्ड। दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं लखनऊ के अलीगंज में और आज हम जिस रेस्टोरेंट पर एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं वो है AY7 रेस्टोरेंट। और यहाँ पे हम आपको जिस चीज़ के बारे में बताएंगे वो है अनलिमिटेड बफेट, वो भी सिर्फ और सिर्फ 149 में आपको मिलेगा यहाँ पे अनलिमिटेड बफेट। इसी चीज़ को आज हम एक्सप्लोर करने के लिए अलीगंज आए हैं, तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, यहाँ का एम्बियंस देखते हैं और यहाँ के खाने के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। आइए हमारे साथ। ठीक है तो दोस्तों हम लोग AY7 रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं और ये है यहाँ का एम्बियंस कुछ किस तरह की। मैं चारों तरफ मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि जब आप अंदर आएंगे तो बाकायदा एक बेहतरीन आपको यहाँ पे एक एम्बियंस मिलेगी। और यहाँ पे दिखा दूँ कि अगर आप आते हैं तो ऐसा नहीं 149 में आपको बहुत सादी जगह बैठा दिया जाए, बाकायदा AC वगैरह लगा है, पूरा फुली AC लोडेड है। यहाँ बाकायदा AC में बैठ के अपना जो अनलिमिटेड बुफे है उसको एंजॉय कर सकते हैं। आइए मैं अगर ये भी दिखा दूँ कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पर अंदर जाके इनका आप फैमिली में बैठने की जगह है, यहाँ पर अपने फैमिली के साथ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ सकते हैं और बाकायदा सही एक मेन्यू है, ये यहाँ पे लिखा भी है अनलिमिटेड बुफेट एट जस्ट 149। तो ये इनका मेन्यू है और खाली बफेट नहीं, इनका बफेट के अलावा भी अनलिमिटेड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, जैसे साउथ इंडियन है, इडली सांभर वगैरह और इंडियन वेज कजन भी है, ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आपको अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लेना है वो आप ले सकते हैं अनलिमिटेड के लिए। मैं भी अंदर दिखाता हूँ आपको कि वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और ये भी दिखा दूँगी अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप कहाँ बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो एक अपनी फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं और बाकी अनलिमिटेड का जो लेना चाहेंगे वो यहाँ काउंटर है, पेमेंट वहाँ पे होगा आपका। क्योंकि कुछ लोग की क्वेरीज रहती है कि मुझे आके क्या करना होगा, अगर आप सीधे आते हैं तो सीधे यहाँ पे काउंटर पे आएँ, यहीं पर अपना जो थाली वगैरह है जो बुफे है तो यहीं से उसको पैसा जमा करके आप अंदर जाके अपना जो अनलिमिटेड बुफे है वो अपना एंजॉय कर सकते हैं। भैया हमको यहाँ के बारे में बता दीजिए, पहले यहाँ का एड्रेस हमको बता दीजिए। कपूरथला चौराहा जी, ये लखनऊ ये भाटिया कॉम्प्लेक्स के बगल में पड़ता है। भाटिया, अच्छा एक भाटिया कॉम्प्लेक्स आगे थी जस्ट बगल में, उसके बगल में। अच्छा तो उसके हमको फ्लैट के बारे में बता दीजिए कि 149 के जो आपका बफेट है इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी? सर 149 का बफे है प्लस 5% जीएसटी अलग है। अलग अलग। और मेन्यू में मतलब क्या रहता है आपके डेली वाइज? सर वैसे तो वेज मंचूरियन, वेज फ्राइड राइस, वेज नूडल रहता है, संडे सैटरडे स्पेशल रहता है। मतलब आपके जो मेन्यू है उसमें जी तब्दीलियाँ होती रहती हैं। हाँ, इसके अलावा बफेट के अलावा भी और चीज़ें हैं, खाली बफेट ही? नहीं, बफेट भी है सर, साउथ इंडियन है, चाइनीज। इसका जो मेन्यू है मैं आपको दिखा दूंगा, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, वो उसके प्राइस अलग है। मतलब बफेट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी और जो इनका मेन्यू है आपका वो उसके चार्जेस वगैरह सब अलग। तो भैया तो हमने पूछ लिया क्या क्या चीज़ें अभी यहाँ के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं, फिर अभी अंदर ले चलेंगे और वहाँ बफेट में क्या क्या चीज़ें आज बनी है वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में भी हमारे साथ बने रहिएगा। तो मैं पहले आपको दिखा दूँ कि जो आप अनलिमिटेड यहाँ पे खाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी आपको। तो आइए एक बार यहाँ पास से दिखा दूँ, ये अरहर की दाल है, ये अरहर की दाल है और ये पनीर की है, कढ़ाई पनीर है, ये मंचूरियन मुझे लग रहा है, ये मंचूरियन है, ये नूडल्स है, कौन सा नूडल्स हैं? अच्छा ये अच्छा नूडल्स हैं ये, और ये एक आलू भी सोया मेथी है, आलू सोया मेथी है, ये प्लेन राइस, ये प्लेन राइस आपको मिल जाएगा और ये छोले हैं, तो ये छोले वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है उसी अनलिमिटेड 149 में। ये आपका ज़ीरा राइस मुझे लग रहा है, ये ज़ीरा फ्राइड राइस है और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे आपको ये खीर मिल जाएगी और साथ ही एक चीज़ आपने मुझको वहाँ दिखाया था, ये रायता मिल जाएगा और यहाँ पे एक सिरके का प्याज और सिरका भी मिल जाएगा, ये सिरका नहीं ये हाँ ये प्याज और सिरका वगैरह भी, इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वो भी सिर्फ और सिर्फ 149। तो अभी फिलहाल हम अपना पेमेंट करके आते हैं और यहाँ पे अनलिमिटेड बुफे का इंजॉयमेंट करते हैं। तो दोस्तों हमारा बफेट रेडी होके आ गया है, जो थाली है अनलिमिटेड थाली वो हमें रेडी होके आ गई है। तो अभी एक चीज़ हम ट्राई कर लेते हैं। हाँ इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ, ये बटर नान है और यहाँ पे आपको तंदूरी रोटी मिल जाएगी, लेकिन जब एक चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी तभी आपको दूसरी चीज़ मिलेगी। और एक चीज़ और ख्याल रखिएगा यहाँ पर कि खाने को बर्बाद मत किएगा, वरना जो है
ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा लेके आप उसको बर्बाद करते हैं, यहाँ पे अगर बर्बाद करते हैं तो 100 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको फाइन लग जाएगा। क्या ये सही चीज़ भी है कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपको खाना हो जब आपका फिनिश हो जाए और आपकी जितनी क्वान्टिटी है यानी कि क्षमता है खाने की आप उतना ही लीजिए। तो फिलहाल अब हम एक केस करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये खाएँ, खाएँ पहले ये खाते हैं, पनीर खाते हैं। तो वहाँ कैमरामैन दे रहे हैं पहले ये खाने को, और ये कढ़ाई पनीर है। तो ये देखिए, अरे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको, लेकिन अब खा जो इससे टेस्ट देख लेते हैं हम लोग। हल्का तो थोड़ा क्योंकि मैं स्पाइसी थोड़ा कम खाता हूँ, लेकिन थोड़ा स्पाइसी लेकिन ठीक है। जो अगर स्पाइसी ज़्यादा खाता है स्पाइसी तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। और इनके अगर छोटा भी खा के देख लेता हूँ, और ये छोटा ऐसा नहीं कि तुम खाली पानी पानी मिला दो, ऐसा नहीं, पूरा गाढ़े मसाले से पूरा बना हुआ ये छोटा वगैरह इसमें। अब ये एक बार मैं इनकी मेथी, और ये मेथी सोया आलू, सोया आलू ये लग रहा है, सोया आलू हो, उसको भी एक बार मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ। ये देखिए मेथी आलू लग रहे हैं, इसे जो सोया है ना वो पूरा आलू से एकदम एकदम निपटा हुआ है। तो अगर आप सोया आलू पसंद करते हैं आप, तो ये बेहतरीन चीज़ आपको लगने वाली। इसी साथ ये दिया हुआ है मंचूरियन का दिया हुआ है, और ये है नूडल्स। वो इसकी कॉम्बिनेशन खैर ये है, तो मैं इसके साथ खा के देख लेता हूँ। और ऐसी चीज़ नहीं कि आप यहाँ पर घर से ठंडी मिले, नहीं एकदम गर्मा गर्म चीज़ें रखी हुई हैं, अभी पूरी गर्म गर्म मेरे सामने। ये बटर नान वगैरह भी आई है अभी, और मुझे खाली दाल लाया गया है। तो दाल भी ये फ्राइज को प्लेन राइस के साथ हैं, और बाकायदा आपको यहाँ पे फ्राइड राइस भी दिए गए हैं। तो जैसे खाएँ जैसे खाएँ, मैं थोड़ा थोड़ा चक्के भी आपको बता दे रहा हूँ, बाकी खाऊँगा मैं बाद में ही जैसे कि आप पेशा करता हूँ। बहुत सही दाल बनी है इनकी, मतलब तो जैसे आप घर में खाते हैं टेस्ट उसका पूरा वही आ रहा है दाल का। तो मैं रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सही चीज़ है। ये देखिए दाल भी ऐसा नहीं कोई पकड़ी हो, लेकिन पूरी गाढ़ी दाल है इसकी। मैं इसको जूम करके एक बार दिखाना चाहूँगा इसको, कि ये देखिए कि दाल में मतलब ऐसा नहीं कि अगर प्राइस कम है तो कुछ कंजूसी है नहीं। इसी तरह ये छोले भी इनके हैं कि पूरी तरह से गाढ़े गाढ़े छोले हैं। कि कभी कभी क्या होता है, कहीं आपको सस्ती चीज़ मिलती है तो वहाँ क्या होता है कि पानी का जो चीज़ होती है वो ज़्यादा होता है, बेस्ड होता है, पानी ज़्यादा रहता है। लेकिन ऐसा इसमें गाढ़ी गाढ़ी दाल है, इस तरह मंचूरियन ये जिनका ये देखिए बाकायदा गाढ़ा गाढ़ा है। और पनीर इसका सबसे मुझे बेस्ट चीज़ लगी इनके, ये पनीर और इनके छोला। बाकी सब चीज़ अच्छी हैं, लेकिन जो मेरे जो बेस्ट आइटम यहाँ का है वो ये दोनों चीज़ें लगी हैं। एक चीज़ मैं आपसे बताता चलूँ कि इससे पहले मैं जगह मॉल में गया था, तो वहाँ मुझे हरी टोसा जो मिला था वो करीब 159 का मिला। आप ये प्रति अरे प्लेन डोसा 159 का मिला था, लेकिन आप अलीगंज में आ रहे इस AY7 रेस्टोरेंट में आ रहे, तो आपको यहाँ जो खाना मिलेगा वो खाली 149 में अनलिमिटेड मिलेगा। आप सोचिए कि मैंने वहाँ खाया था तो 159 का खाली डोसा मिला था, यहाँ पूरा हर पेट खाना मिल रहा है वो भी 149। तो एक बेस्ट ऑप्शन है, और मुझको ऐसा लगता है कि शायद ये लखनऊ में सबसे चीपेस्ट ये प्राइस है। अगर आपको लगता है कि हाँ लखनऊ में और इससे भी चीपेस्ट प्राइस है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं वहाँ के भी एक बार ट्राई करके बताऊँगा। तो फिलहाल अभी मैं इस खाने को फिनिश करता हूँ। और हाँ ये चीज़ मैं बताना रह गया था कि ये मीठा है, ये इनकी खीर है, साथ में दही दिया गया है, और ये है सिरका प्याज का एक सिरका प्याज। तो ये गर्मी का बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि अगर ये आजकल लखनऊ में गर्मी बहुत पड़ रही है तो इसको खा के निकल जाइए, तो लू लगने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो फिलहाल अभी मैं इस चीज़ को फिनिश करने के बाद हमें मिलता हूँ जब पूरा फिनिश हो जाएगा उसके बाद। तो दोस्तों ये तब तक का मैं एक छोटा सा रिव्यू, और अब मैं कहा कि वीडियो आपको एक्सप्लोर करूँ। अगर आपकी निगाह में कोई अनलिमिटेड बफेट है जो इससे भी सस्ता हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं यहाँ वहाँ पर जाके उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। It's not a game, it's a rage game.